विक्रम सिंह, इस शरीर को तुमने ठुकरा दिया, अब मैं उसे त्याग दूंगी, लेकिन मेरी आत्मा सदा के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहेगी और तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा मेरे लिए, केवल मेरे लिए। विक्रम सिंह, केवल मेरे। मैंने ये शरीर तुम्हारे प्रेम में त्यागा है, अब तुम दूसरा जन्म लोगे मेरे लिए। विक्रम सिंह, केवल मेरे लिए, मेरे। हाँ हाँ, तुम दूसरा जन्म लोगे मेरे लिए। सूर्यवंश, सूर्यरेखा, तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी। इस जन्म के बाद मैं दूसरा जन्म कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। इतने बड़े ज्ञानी होकर आपको एक निर्दोष पर पीछे सवार नहीं करना चाहिए था, आपको मानव धर्म का पालन करना चाहिए था। मानव धर्म, मानव धर्म, अगर मुझे मानव धर्म का पालन करना होता तो मैं उसी समय महारानी सूर्यलेखा की हत्या कर देता जब अमर सिंह मरा था। मेरे हाथों से विक्रम सिंह की हत्या नहीं होती राजमाता। मैंने मानव धर्म का नहीं, राज धर्म का पालन किया राजमाता। मेरा कर्तव्य तो पूरा हो गया, लेकिन ये नीच कर्म मुझे धिक्कारने लगा है, मुझे धिक्कारने लगा है, मुझे धिक्कारने लगा है। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए मुझे अपने आप को दंड देना होगा। मैंने फैसला किया है कि इस राजमहल में जो अंधा कुआं है उसमें रहकर अपने आप को तिल तिल मारते हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा। आप तो अपने पापों का प्रायश्चित कर लेंगे, परंतु उन लोगों का क्या होगा जो आपको राजगुरु कहते हैं? अगर मैं उनका राजगुरु हूं तो आप उनकी राजमाता हैं। आप ही की छूट के कारण राजकुमारी सूर्यलेखा इतनी जिद्दी और अहंकारी बनी। अभी तो विनाश आरंभ हुआ है। वो दिन दूर नहीं राजमाता जब संग्रामगढ़ में कोई जीवित नहीं बचेगा और इन सब की मृत्यु की जिम्मेदार आप होंगे। हाँ राजमाता, आप होंगे। Thank you.
मुझे लिखा। मैं जानती हूँ तेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही, तू तड़प रही है, इसीलिए सब कुछ नष्ट करती जा रही है। मैं ऐसा नहीं सुनूंगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इसी महल में बंद होकर रह जाए, इससे कभी बाहर ना निकल सकी, दिन का उजाला भी ना देख सकी। में समा गया और सूर्य लेखा की आत्मा उस महल में बंद हो गई, पर इस भटकती आत्मा ने संग्रामगढ़ को नरक की भट्टी बना रखा है और वो सूर्यवंशी की तलाश में भटक रही है। रात के समय उन खंडरों से कोई भी गुजरे तो उस पर उसकी खंडित मूर्ति अपनी एक नीली आंख से जहर बरसाती है और चीख चीख के कहती है, सूर्यवंशी को लाओ, सूर्यवंशी को लाओ। उसकी ये तरफ संग्राम कर वालों को ना तो जीने देती है और ना मरने देती है, और जब तक इसको शांति नहीं मिलेगी संग्राम कर सुख की नींद नहीं सो पाएगा। और उस आत्मा से मुक्ति पाने का तरीका ये है कि मेरी आगे पढ़ना रुक क्यों गई? ये तो आखिरी पन्ना है। क्या आखिरी पन्ना? पन्ना तो और होना चाहिए। वो तो बात जरूरी है, पंडा उस बुरी आत्मा से मुक्ति कैसे पाएंगे? उसका पता तो चलना चाहिए। अजीत, तुमने वहां बराबर देखा था ना? हाँ सर, हो सकता है कि वहीं पत्थरों में दबा रह गया हो। कमाल है भाई, सूर्यवंशी साहब ने तो अपना बदला ले लिया और कसम खाकर कि वे दोबारा जन्म नहीं लेंगे। चल बसे। अरे भाई, मुसीबत तो गांव वालों के लिए हो गई ना। क्यों भाई? वो दोबारा जन्म ले चुका है। ओ, तो यानी कि आप भी पुनर्जन्म रूह वगैरह में विश्वास रखते हैं? नहीं। हजारों वर्ष बीत गए मां, लेकिन तूने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। तू मेरा अकेलापन तो कुछ बांट लेती है, लेकिन मेरा अधूरापन तू नहीं बांट सकती मां, क्योंकि जहां से मैं अधूरी हूं वहां पर समय ने धूल नहीं फेंकी, बल्कि समय तेज कटार बनकर मुझे वहीं से छीनता रहा और मैं तड़पती रही मां, लेकिन तुझे फिर भी दया नहीं आई। लेकिन मां, मेरी ये तड़प बेकार नहीं जाएगी, मेरी यही तड़प एक दिन उसे तड़पा देगी और मेरे यही आंसू उसे एक दिन रुला देंगे। मां, मेरे यही आंसू से छुड़ा देंगे। अरे किताब क्यों छुड़ा रहे हैं? विदेशों में इसकी बहुत कीमत है बदसूरत। मैं क्या हुआ? अगर अंदर में सचमुच का भूत हुआ तो? अबे साले, तुझे देखकर डर कर भाग जाएगा। और अगर अब भूत नहीं हुई तो? तब तो बेटा अपने मजे मजे हैं।
मैं उसे भागने थोड़े दूंगा, चल। सूरत, पेंटिंग के चारों तरफ जो हीरे हैं ना, वे करोड़ों के होंगे, करोड़ों के। एक एक उखाड़ कर ले जाएंगे। आजा, आजा। अरे क्या हुआ महेश? ये टॉर्च अपने आप कैसे बुझ गई? मेरी भी नहीं जल रही, ये क्या हो रहा है? इस शीशे पर तो पेंटिंग थी, वो कहां गई? अरे बदसूरत, चल नीचे उतर। पहली बार मुझे समय की कटार पर तवा की दो बूंदें नजर आई हैं। अब आईना मुझ में है और उसमें उसमें विक्रम सिंह की छवि है। चाहो विक्रम सिंह को मेरे पास लेकर आओ, चाहो। नहीं, हम तुम्हारी किसी भी बात को नहीं मानेंगे। भाग बसुरत, मनुष्य मिट्टी का शरीर लेकर आग से मत खेल। जा, विक्रम सिंह को मेरे पास लेकर आ। कौन ले जा सकता है इतनी कीमती किताब? कौन ले जा सकता है? सर, ये काम जरूर महेश का है। महेश? सूर्यवंशी विक्रम सिंह, तुम्हें महारानी सूर्यलेखा ने बुलाया है। अरे इसको क्या हो गया? जाने वहां तुम्हें मुझे फेंक दूंगा।